वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब, हमें साइकोलॉजिस्ट राफिया रफीक ने भी ज्वाइन कर लिया है। वेलकम टू द शो डॉक्टर राफिया, कैसे हैं आप? अच्छा डॉक्टर राफिया, अभी नादिया हमारे साथ मौजूद थी और अभी हम कॉलर्स भी ले रहे थे। हमारे यहाँ नॉर्मली जो बच्चों की जिद का कि पूरी करनी चाहिए नहीं करना चाहिए, नादिया ने भी कहा मॉडरेट तरीका होना चाहिए, कोई इतदाल का रास्ता। अब आपसे हम साइकोलॉजिकली इसके एस्पेक्ट जानेंगे कि बच्चे जिद्दी क्यों होते हैं। अच्छा जिद्दी, देखें जिद इज अ बिहेवियर, ठीक है, जैसे कि आप किसी बच्चे को जिस तरह भी चाहें आप मोल्ड कर सकती हैं। और साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि बच्चा किसी सेट पैटर्न के साथ पैदा नहीं हुआ होता, हम उसका बिहेवियर मोल्ड करते हैं एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, फिर एज फ्रेंड्स, हमारा बिहेवियर मोल्ड होता रहता है सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। अब बच्चा जिद्दी क्यों होता है, जिद से मुराद क्या है, ऑपरेशनली हम कैसे डिफाइन करें ये कि अगर वो कोई चीज़ मांग रहा है और हम उसे नहीं दे रहे तो उसके ऊपर वो टेम्पर थ्रो कर रहा है या क्या चीज़। तो अब ये डिपेंडिंग ऑन द एज, अब आप बहुत छोटा बच्चा है, सपोज के 1 ईयर का बच्चा है, अगर वो जिद कर रहा है कि मुझे उठा लो और आप उसको जो है बार बार डांट रहे हैं, तो मतलब ये है कि ये एक फॉल्टी वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग होगा एक छोटे बच्चे के लिए, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि ये जो मुझे डिगेट कर रहे हैं ये किस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि उसके माइंड में कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। और 7 साल के बच्चे तक के लिए उस तरीके से जो है वो क्लैरिटी कॉग्निशन उस तरह डेवलप नहीं होती। तो हमने क्या करना है एज पेरेंट्स एज टीचर्स, तो हम जिस तरह उसके बिहेवियर को री इन्फोर्स करेंगे तो उस तरीके से वो मोल्ड होता जाएगा। या कई दफ़ा ये होता है जिद्दी इसलिए भी होते हैं कि हम उनके हर बिहेवियर के ऊपर नेगेटिव जो है ना वो रिमार्क देते हैं या उसको पनिश करते हैं, वो बच्चा कहते हैं ना ढीठ हो जाता है और वो कई दफ़ा वो एक सेट पैटर्न बन जाता है। और ये सेट पैटर्न कई दफ़ा इस चीज़ की आवाज़ होता है कि वो बच्चा अटेंशन चाह रहा है। कई बच्चे ढीठ और जिद्दी इसलिए बनते हैं या टेम्पर थ्रो करते हैं कि दे नीड द अटेंशन ऑफ द पेरेंट्स, तो वो पेरेंट्स उनको अगर सही तरीके से पॉजिटिव तरीके से, हाँ ये भी हो सकता है, हो सकता है वन ऑफ द रीजंस। लेकिन जो एक मेजर रीजन है वो फॉल्टी पेरेंटिंग स्टाइल है, यानी ये कि बच्चों को आप किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हम अपने क्राइटेरिया पर बच्चों को जज करते हैं कि हमें बात इस तरह समझ आ गई तो बच्चे को भी आ जाएगी। अच्छा डॉक्टर राफिया, आप तो हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ कॉलर रही हैं परवीन मसूद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। वो मैंने बात ये करनी थी कि बाद लोग है ना बच्चों को कमरे में बंद कर देते पनिशमेंट देने के लिए, तो तुमने तंग किया, शरारत की, तुमने मारा, और बाद बच्चों को इतना डांटते हैं ना, बच्चों के पता है दिल बड़े कमजोर होते हैं, तो वो बड़े वो उनका दिल तेज तेज धड़कने लग जाता है। मैं तो कहती हूँ बच्चों को सिर्फ घूरने, डांटे भी ना, मारे भी ना, घूरने की आदत वो ये ना, ना आपने बड़ी जनरल बात की है प्रवीण मसूद साहिबा, मैं अब इस बात को हम डिस्कशन का हिस्सा जरूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। मुझे भी याद है कि अब मुझे कभी मारनी पड़ी, मुझे सिर्फ एक घूरी काफी होती थी, मगर वो भी एक एज तक, एज तक। लेकिन डॉक्टर राफे मैं अभी भी बताऊं कि मुझे अपने वालिद साहब की ना अभी इतनी बड़ी होकर भी एक घूरी से नजर, एक नजर काफी है। और मैं पेरेंटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मुझे पता था कि ये काम मैंने गलत किया है, और मुझे अगर अम्मी ने कोई इशारा कर दिया और अब्बू ने मुझे घूर लिया, मैं अभी भी सहम जाती हूं। बॉन्डिंग के लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए आपको, वो आपकी है रिलेशन बिल्ड करना और उनको सुनना बच्चों को और उनको समझना। अच्छा नाजी, हमारी 2 कॉलर्स की भी बात करेंगे हम, स्कूल और जो हमने एग्जैक्टली 4 साल का बच्चा उनका और जो स्कूल नहीं जाता और जिद करता है। अच्छा 4 साल के बच्चे को तो बहुत खुश होकर स्कूल जाना चाहिए बेसिकली, वो फिर बहुत सी चीजें जहन में आती हैं। लेकिन अगर हम घर से आगाज लें तो स्लीप टाइम, बेड टाइम क्या है उसका, ये जानना जरूरी है। उस बच्चे का बेड टाइम, अगर उसकी वो नींद ही पूरी नहीं है तो वो ऑब्वियसली सुबह सुबह उसको स्कूल जाने में कोई चाम नजर नहीं आएगा, उसकी नींद पूरी नहीं है, वो डिस्टर्ब्ड है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि स्कूल के अंदर किस किस्म की उसको शाबाशी दी जाती है। एक हम बात करते हैं कि वेलकम कैसे किया जाता है, टीचर स्माइल, हमारे मोस्टली जो स्कूल्स हैं सॉरी टू से वो बच्चों को वेलकम नहीं करते उस तरह से। तो बच्चों के लिए मॉर्निंग है, ये मॉर्निंग टाइम है, टीचर को स्माइल देना है वेलकमिंग स्टाइल में, बच्चे को लेना है। ये 4 साल की एज वो है जिसमें बहुत से जतन करते हैं किंडरगार्टन के टीचर्स। बहुत अच्छी सी एग्जांपल, मेरी बेटी बहुत छोटी थी तो मुझे एक दिन आके कहती है मामा हम इंसान है कि जानवर, कैन यू इमेजिन सच अ कमेंट। मैंने कहा आपको क्या हो गया? मामा रोज मेरी टीचर मुझे जानवर कहती है। अब आप सोचें कि एक स्कूल जिसके अंदर बच्चे को आपकी जो टीचर की कॉनोटेशन है, जो उसकी लैंग्वेज है, जो उसका नरेटिव है, वो बच्चे पे कितना अफेक्ट कर रहा है। और मेरे ख्याल में अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो बहुत सी फैक्टर्स घर में हो सकते हैं,
स्कूल में हो सकते हैं और रिलेशनशिप में हो सकते हैं. कई दफा जो होती है ना, छोटे बच्चों में एंजाइटी डेवलप हो जाती है पेरेंट्स से, जो सेपरेशन एंजाइटी है वो भी कई दफा जो है पेरेंट्स उसको बहुत ज्यादा अगर बच्चे को फिर नहीं भेजते तो वो रीइंफोर्स होना शुरू हो जाता है. तो उसमें बेस्ट ये होता है कि आप बच्चे को भेजें, फिर पहले मदर थोड़ी देर के लिए बैठे वहाँ पे, आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम कम करना शुरू कर दे. एग्जैक्टली, हाँ जी, ट्रेंड हो गया. तो वो ये है कि उसमें बहुत से और फैक्टर्स आ सकते हैं. कोई फोबिया डेवलप हो सकता है, कोई टीचर से डर डेवलप हो सकता है, कोई स्टूडेंट्स उसको हरास कर रहे हैं, उसको तंग बुलिंग वगैरह है स्कूल में. तो ये मल्टीपल फैक्टर्स देखने पड़ेंगे कि बच्चा, और न्यूट्रिशन, अगर बच्चे की सेहत नहीं ठीक और बच्चे की नींद जैसे आपने बताया पूरी नहीं है, तो बच्चा जो है वो फिजिकली मेंटली फिट नहीं है स्कूल जाने के लिए. और मैं तो क्योंकि एजुकेशनिस्ट भी हूँ तो मैंने बहुत केसेस देखे हैं जिसमें अभी आपने बात की कि हम जानवर हैं, आपकी बेटी ने कहा टीचर को बहुत केयरफुल होना चाहिए टुवर्ड्स सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स. और ब्लेम करना बहुत आसान है, टैग करना किसी बच्चे को, ये स्लो लर्नर है. अक्सर टीचर्स फॉर गॉड से स्लो लर्नर पूरा ही कह रहा है, ये नहीं है टीचर्स की जो ट्रेनिंग नहीं है. और टीचर्स को अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया, हम यहाँ पर FSC लड़की ने की नहीं, उसने स्कूल में अप्लाई किया, हमने उसको बुला के टीचर बना दिया. काम नहीं, वो ये कहते हैं ना, वो काम नहीं. बच्चों के साथ काम करना हर एक बंदे का काम नहीं है. आपको वो रेजिलियंस, वो आपको पेशेंस चाहिए बच्चों के साथ, जो आप में नहीं हो सकता. एग्जैक्टली. अच्छा, एक कॉलर ले लेते हैं. समन है. अस्सलाम वालेकुम समन. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं काफी देर से आपका प्रोग्राम देख रही थी. जी, तो जी. मैं जस्ट सजेशन है सबों के लिए जी, कि एक तो ये कि बच्चों की थोड़ी बहुत जिद्द ज़ाहिर माननी चाहिए. ठीक है. क्योंकि ये बच्चों को अगर हम बिल्कुल अपनी हर वक्त सख्ती करेंगे या हर वक्त अपने मुताबिक, तो वो तो ज़ाहिर हम नहीं कर सकते. बिल्कुल बिल्कुल. सेकेंडली ये कि मेरा बेटा एक 6 साल का है और एक 2 साल का है, तो मैंने अपने बच्चों को इस तरीके से इनकरेज किया. खाने पीने का बहुत ज्यादा इशू आपका माए बता रही है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. उसमें ये है कि हम लोग बच्चों को इनकरेज करते हैं कि भाई आप ये खाओगे, आप स्ट्रांग हो जाओगे, आप में एनर्जी आ जाएगी. उनके फेवरेट कैरेक्टर्स जो भी होते हैं, लाइक अ स्पाइडरमैन, आप स्पाइडरमैन बन जाओगे. और मैंने उसे देसी खाने खिलाए हैं ज्यादातर. अच्छा. मैंने जंक फूड की आदत डाली नहीं बच्चों. जबरदस्त. समन, यू आर लकी मदर कि आपके बच्चों को जंक फूड की आदत नहीं है. और आप बिलीव करें कि मेरा बेटा 6 साल का है, उसने आज तक कोल्ड ड्रिंक टेस्ट नहीं की. लवली लवली. मैं देखती हूँ अक्सर, मैं रेस्टोरेंट में जाते हैं अगर हम लोग, तो मैं देखती हूँ कि बच्चे 2-2 साल के बच्चे जो हैं वो ड्रिंक पी रहे हैं और माएं दे रही हैं, और हम लोगों ने अपने बच्चों को ड्रिंक टेस्ट ही नहीं करवाई. जबरदस्त जबरदस्त. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग समन. अभी हम इसको मजीद लेकर चलेंगे. समन ये कह रही है कि जिद, हाँ जिद नहीं कहना मानना चाहिए, बच्चे की जिद नहीं माननी चाहिए. जिद इज अ मैनिपुलेटिव बिहेवियर. उसको जरा सा बंदे को उसके ऊपर जब वो जिद कर रहा हो तब उसको वो चीज मत करें, क्योंकि वो उस टाइम अपना एक नेगेटिव बिहेवियर रीइंफोर्स कर, उसने सोच लिया था कि मेरी तरह से बात माननी चाहिए. थोड़ा सा डिले कर सकते हैं. डिले करें लेकिन फिर कमिटमेंट पूरी करें. मैंने देखा है पेरेंट्स डिले करते हैं, भूल जाते हैं, कमिटमेंट पूरी नहीं करते. बच्चा कहता है आपने तब नहीं मानी थी तो अब क्यों मानूंगा. अगली दफा वो रीइंफोर्स नहीं हो सकता, वो वाली चीज आप फॉर्मूला आपका कामयाब नहीं. आपके बच्चे की बहुत सी जायज ख्वाहिशात होती है, वो आप पूरी करें. लेकिन बच्चे को आजकल हम लोगों ने इतनी चीजें दे दी जो हमारे जमाने में कहते थे कि ये बहुत नेसेसिटीज लग्जरीज हैं, अब नेसेसिटीज हैं. बच्चों को उनकी वर्थ नहीं है. आप उनको टॉय देते हैं, 2 मिनट के बाद वो वहां फेंक देते हैं. हमें याद है कि हमारे टॉयज हम कितने अच्छे तरीके से रखते थे, क्योंकि एक्सेस हो गया ना सारी चीजों का, हर चीज का एक्सेस है उनके पास. गेम्स और एक्सबॉक्स और ये सब आ गए, इसके ऊपर बच्चे इतने ज्यादा हैं कि वो CNN की रिपोर्ट आई कि अभी रिसेंटली आई है कुछ माह पहले, और उसमें गेमिंग डिसऑर्डर करार दे दिया गया. एग्जैक्टली. वो तो अब गेमिंग डिसऑर्डर. एग्जैक्टली. उन्होंने कहा ये साइकोलॉजिकल है, और अगर इसको ऑब्वियसली उसकी हेयर रेशो के इतना होगा तो फिर. लेकिन हम किस तरफ जा रहे हैं कि इतने ज्यादा गेम्स और उसके ऊपर बच्चे हैं कि गेमिंग डिसऑर्डर का शिकार भी हो. ठीक हो गया. डिसऑर्डर के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे जनाब. बच्चों की जिद पूरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, साइकोलॉजिकली किस तरह से बच्चों को डील करना चाहिए, खाने पीने और स्कूल जाने के जितने मसाइल हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं. राफिया रफीक हमारे साथ मौजूद हैं और नादिया जाफर हमारे साथ मौजूद हैं. हम लाइव कॉल्स भी ले रहे हैं. मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. आप देखते रहिए जागो लाहौर.